स्टमक फ्लू या गैस्ट्रो, पेट का इन्फेक्शन, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त यज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गैस्ट्रो ऐसा कॉमनली बोला जाता है, गैस्ट्रो हुआ या गैस्ट्राइटिस हुआ या गैस्ट्रो एंट्राइटिस हुआ या स्टमक फ्लू बोलते हैं। ये यूजली इन्फेक्शन से होता है, मतलब यदि हम खाना खाने में कुछ इन्फेक्शन हो गया, खाने में कुछ कम ज़्यादा हो गया, बाहर का खाना खाया, ओपन खाना खाया, मक्खी बैठे हुए खाना खाया या पानी पिया, तो ऐसा होता है। पी लिया, फिर सिरोसिस ऑफ लिवर, पैनक्रियास की बीमारी या अन्य कोई पेट की बीमारियों से भी ये ऐसा गैस्ट्राइटिस हो सकता है। एच पायलोरी से भी, मतलब एच पायलोरी का इन्फेक्शन, उससे भी ये हो सकता है फ्लू। अब इसका इलाज बोलने के पहले मैं बताता हूँ इसके लक्षण क्या होते हैं। एक तो क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी जैसी संडास होती है, पतली संडास, बहुत बार संडास को जाना पड़ता है। पेट में दर्द, जी मचलाना, उल्टियाँ होना, बुखार आना, स्नायु में दर्द, सिर दर्द, ऐसे मतलब अलग अलग उसके लक्षण होते हैं। ज़्यादातर खाने में इच्छा नहीं और फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी ख़त्म, फिर सलाइन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। 1 से 3 दिन तक यूजली ये चलता है, दवाई लिया तो भी, नहीं दवाई लिया तो भी, मगर दवाई लिया तो अच्छा है, जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। पेट की सभी बीमारियों का इलाज हम सन्मित्र मानस हॉस्पिटल में फ्री में करते हैं, मुफ्त में करते हैं। पीलिया हो, सिरोसिस ऑफ लिवर है, पैनक्रियास की बीमारी है, पैनक्रियाटाइटिस है या पेट के कोई भी विकार हो, वैसे हार्ट अटैक्स, फेफड़ों के इलाज, ऐसी सभी बीमारियाँ वहाँ मुफ्त में उसका इलाज किया जाता है। ये बीमारियों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल सीमेंट गोडाउन के पास, स्टेशन के पास, अकोला, यहाँ मुफ्त में इलाज होता है। आपको केशरी कार्ड तथा पीला कार्ड, राशन कार्ड लाने की जरूरत है। महात्मा ज्योतिबा फुले योजना अंतर्गत यह मुफ्त में इलाज पेट का किया जाता है। ये जो है, ये पतली संडास होना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन मानसिक भी है। देखिए, मानसिक टेंशन, तनाव, घबराहट ऐसा होगा तो तुरंत लोग संडास को चले जाते हैं, लैट्रिन को चले जाते हैं, को लैट्रिन लग जाती है, और कुछ लोगों तो पतली संडास चालू हो जाती है, पेशाब भी बार बार लगना चालू हो जाती है। तो इसमें इलाज करने के समय उनको टेंशन नहीं लेना, आराम करना है, पानी पीना, और उल्टियाँ हैं, जी मचलाता है, पानी पीने की भी इच्छा नहीं हो रही, तो सलाइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन ना होना चाहिए, इसलिए एंटीबायोटिक्स भी देना ज़रूरी है। अधिक जानकारी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पेट की बीमारियां ठीक करने के लिए आप सन्मित्र मानस हॉस्पिटल सिमेंट गोडाउन के पास, स्टेशन के पास आप संपर्क कर सकते हैं, हमें भी संपर्क कर सकते हैं और अपना इलाज मुफ्त में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।